मेरा नाम फापल खातून है, मेरे गांव का नाम है मगरजी। ये है मेरी कहानी। मैं ऐसी जगह पली बड़ी जहां औरतों को अपने घर के कामकाज के लिए रखा जाता था। मैंने दुनिया से लड़कर वो मकाम हासिल किया है जो आज तक हमारे गांव में किसी ने नहीं किया। मेरी ये बदकिस्मती थी कि मैं वहां पैदा हुई जहां औरतों के ख्वाबों को कुचल दिया जाता था। मैं भी एक आम औरत की तरह थी, मगर मेरे ख्वाब कुछ और थे और मैं कुछ नया करना चाहती थी। लेकिन मैं यहां नहीं रुकी। मैं अपने बेटी के साथ पढ़ने जाती थी और मैंने बीए की डिग्री की है अपने बेटी के साथ है, और मैंने अपना पढ़ने वाला सपना पूरा कर दिया। जब मैंने 8 जमाई था पास की तो अचानक एक एंग्रो की टीम आई और हमारे गांव में एक धमाका कर दिया। अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो बाजी मेरे घर भी आई। जब मेरा उसने इंटरव्यू लिया तो वो मेरा नाम सिलेक्ट करके गई। ये फैसला मेरी जिंदगी सवार भी सकता था और उजाड़ भी सकता था। मेरे सपने पूरे करने का एंग्रो वालों ने मुझे मौका दे दिया। उसने ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दी। फिर 3 साल एंग्रो के साथ हमने काम किया। मैंने अपनी मेहनत से और लगन से अपना खुद का फार्म खोल लिया। ये औरत जो एक मामूली औरत थी, अपने घर में काम काज करती थी, अब एक माह में 50,000 कमाती है। अब मैं मुख्तलिफ गाँव में जाकर वहां की औरतों को काम दिलाती हूँ। मैंने मंगर जी के लोगों की सोच बदल दी है। अभी तो ये शुरुआत है। करीब 25 गांव में जाकर डॉक्टर की सहूलत फराहम करती हूँ। मैं हर उस औरत के लिए मिसाल हूँ जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता और ख्वाब देखने से डरती है। जो मेरी जिंदगी है, ये जो मेरा बोलना है, ये जो मेरा उठना बैठना है, ये सारी दी हुई एग्रो की है। हर औरत फापुल नहीं बन सकती। हर औरत अपने लिए हक के लिए इतनी नहीं लड़ सकती। इसलिए मैं उन्हें वालदेन को कहती हूँ, दोबारा फापुल मत पैदा करो। मैं बहुत मुश्किल से आगे आई हूँ, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ। ये तो हमारे बस में नहीं है तो हम कहाँ पैदा हुए, किस हालात में पैदा हुए, लेकिन ये हमारे हाथ में ज़रूर है तो हम उस हालात को बदल दें।